दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कोलकाता शहर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर इच्छामती नदी के किनारे एवं बांग्लादेश की सीमा से सटे टाकी गांव ले चलता हूं। टाकी काफी पुराना एवं जमींदारों के गांवों से मशहूर है। दोस्तों आपको याद है आर्मी जनरल शंकर रायचौधरी, जिन्होंने 1965 के इंडो पाकिस्तानी युद्ध और 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे, वे भी इसी टाकी गांव से हैं, जहां आज भी उनका पुश्तैनी मकान अपनी बुलंदी से खड़ा है। यहां रेल एवं सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। वैसे रेल मार्ग काफी बेहतर है। सियालदह स्टेशन से करीब हर घंटे की अंतराल पर सियालदह हसनाबाद लोकल ट्रेन है, जिसका किराया मात्र 20 रुपये है। यह ट्रेन दमदम 12-7 एवं बसीरहाट होते हुए हसनाबाद स्टेशन पहुंचती है। आप हसनाबाद या फिर टाकी रोड स्टेशन उतर सकते हैं, वहां से आपको वैन या टोटो साइट सीइंग के लिए मिल जाएगा। टोटो को 200 से 300 रुपये में रिजर्व कर आप सारे स्थान में घूम सकते हैं। वैसे आप शेयर में भी जा सकते हैं, जिसका प्रति व्यक्ति भाड़ा 15 से 20 रुपये है। पर्यटन के लिहाज से यह स्थान बिल्कुल सुरक्षित है। और हाँ दोस्तों, अपने साथ कोई भी परिचय पत्र रखें, क्योंकि बॉर्डर एरिया होने के कारण थोड़ा सेंसिटिव है। आपको इच्छामती नदी तथा मिनी सुंदरबन देखने के लिए अपना पहचान पत्र बीएसएफ के चेक पोस्ट पर जमा करना होगा। कुल साइट सीइंग का एरिया लगभग 7 से 8 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों सियालदह से ट्रेन पकड़कर जब आप पत्थर के जंगल को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो आपका मन काफी गुलजार हो उठेगा। रेल पटरियों के दोनों ओर हरे भरे लहराते खेत एवं उसमें से आती भीनी भीनी खुशबू आपको ताजगी प्रदान करेगी। टाकी एक बेहद ही खूबसूरत गांव है, सभी सुविधाओं से संपन्न, मिलनसार लोग। एक समय था जब बड़े बड़े जमींदार यहाँ रहते थे एवं उनकी तूती बोलती थी, जिसका अनुमान आप बड़े एवं खाली घर को देखकर लगा सकते हैं। यहाँ अक्सर फिल्मों की भी शूटिंग होती है। दोस्तों आपको याद है बंगाली फिल्म विसर्जन, इसकी शूटिंग भी यही हुई थी एवं आप वह घर इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसे मंदिर एवं घर है जो करीब 300 वर्ष पुराने हैं। यहाँ ठहरने के लिए कई रेस्ट हाउस है। दोस्तों मिनी सुंदरवन का गोलपत्ता एवं मैंग्रोव का क्रीक काफी आकर्षित करते हैं। पतले संकीर्ण मार्ग एवं दोनों ओर हरे भरे वृक्ष तथा तालाब किसी हिमाचली गांव की याद दिला देती है। बीएसएफ के चेक पोस्ट को पार कर जब आप मिनी सुंदरवन पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच ही सुंदरवन आ गए। यहाँ का प्रवेश शुल्क 5 रुपये है। आपको यहाँ पर नारियल पानी एवं टाकी का प्रसिद्ध खजूर रस एवं गुड़ मिलेगा, जो कि खाने में बेहद ही स्वादिष्ट है। मिनी सुंदरवन को पार कर आप इच्छामती नदी के तट पर पहुंच सकते हैं, जहाँ यह नदी दो देशों के बीच लकीर बनकर खड़ी है। यहाँ खड़े होकर लोग उस पार निहारते हुए खुद के आंसू नहीं रोक पाते कि बाटवारे ने उन्हें अपने से जुदा कर दिया। ना जाने कितनों के आंसू इच्छामती नदी ने बहाकर ले गई हो। तत्पश्चात आप बीएसएफ के कार्यालय एवं नदी के तट से होकर टाकी घाट तक पहुंच सकते हैं। इस घाट से आप 30 रुपये का टिकट लेकर मोटर युक्त नौका का आनंद ले सकते हैं, जहां से काफी करीब से आप बांग्लादेश को देख सकते हैं तथा आप 3 नदियों के संगम इच्छामती, कालिंदी एवं पितंदी नदी को देख सकते हैं तथा यहां से आप बांग्लादेश के सतखीरा डिस्ट्रिक्ट के अंतिम छोर एवं इच्छामती नदी के तट पर स्थित होगलापत्ता जंगल को देख सकते हैं। साथ ही किंगफिशर आइलैंड भी देख सकते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों यहां के लोगों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है वह है दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रतिमा के विसर्जन का, जहाँ दोनों ओर से हजारों लोग एक साथ आकर मूर्ति विसर्जित करते हैं तथा आपस में भाईचारगी बयां करते हैं। आप भी दोस्तों इस क्षण को देखना चाहते हैं तो जरूर आएं। और हाँ, यहाँ नव वर्ष के अवसर पर काफी संख्या में इच्छामती नदी के तट पर पिकनिक मनाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं।